रिलायंस शोरूम लूट प्रकरण में देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। घटना में शामिल 2 लाख के इनामी मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर दून लाया गया है। आपको बता दें कि प्रिंस कुमार हत्या के प्रयास, डकैती के गंभीर अपराधों में शामिल है। इसके साथ ही बिहार जेल से ही है संचालित डकैती गिरोह का मुख्य सदस्य भी है। वहीं सांगली महाराष्ट्र के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई 20 करोड़ की डकैती प्रकरण में भी वांछित चल रहा था। बता दें कि अभी तक रिलायंस ज्वेलरी लूट मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। SSP अजय सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास जल्द से जल्द गैंग लीडर तक पहुँचना है, साथ ही माल को बरामद करने का भी प्रयास किया जा रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो इसने बताया पूछताछ में कि 5 से 6 लाख रुपए में घटना करने का दिया जाता है, लेकिन घटना से पहले सिर्फ जो पैसे खर्च करने की जरूरत होती है उतने ही पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद घटना करने के कुछ महीने बाद इनको पूरा पेमेंट किया जाता है, वो भी पेमेंट अन्य व्यक्ति को, अज्ञात व्यक्ति इनको पेमेंट अन्य माध्यमों से, चाहे वो बैंक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, को डिलीवर करता है। तो इसको जो सांगली वाली घटना में कुछ पैसे का पेमेंट हुआ था, इसके बाद से उपरांत ये फरार चल रहा था वहाँ से, महाराष्ट्र पुलिस को तलाश कर रही थी। और ये हमारी घटना करने के बाद से भी कम से कम 2 से 3 बार नेपाल और बिहार और बंगाल में ही छुप रहा था।